और आज की रेट मेरी फैमिली का लाइफ स्टाइल है। जिंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहली इम्पोर्टेंट चीज है, आप कोई नोट डाउन मत करो, आपको ये स्लाइड मैंने सबके लैपटॉप में डाल दी है, ये स्लाइड आपको मिल जाएगी, आप इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हो, आप चाहो तो इसको अपने पास कॉपी में नोट कर सकते हो, बाद में कीजिएगा, लेकिन अभी कुछ मत कीजिए, अभी सिर्फ ध्यान दीजिए कि क्या बता रहा है। सबसे पहली चीज इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट होती है वो होती है विजन ऑफ लाइफ। हमारी जिंदगी में हमारा विजन क्या है? आप में से कौन सा मेरा दोस्त है जो मुझे विजन की मीनिंग बताएगा कि विजन की मीनिंग क्या होती है? बताइए क्या होता है सर विजन? अपने आप को सर क्लियर करना। क्या क्लियर करना? कि हम इस सिस्टम को क्यों कर रहे हैं। चलिए और कोई मेरा दोस्त, क्या होता है सर विजन? सर गोल। हाँ, क्या पाना चाहता है? गोल। अच्छा, गोल होता है, कुछ हद तक पहुंचे हो आप। और कोई? नजरिया। सर एटीट्यूड को नजरिया बोलते हैं, विजन को नजरिया नहीं बोलते। और कोई मेरा दोस्त? चलिए मैं बताता हूँ, विजन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म गोल। आप जिंदगी में क्या पाना चाहते हो लॉन्ग टर्म। कल मुझे क्या चाहिए उसको विजन नहीं बोलते, परसों मुझे क्या चाहिए विजन नहीं बोलते, आने वाले दो साल के बाद, तीन साल के बाद, चार साल के बाद, पांच साल के बाद, आठ साल के बाद, दस साल के बाद, पंद्रह साल के बाद अपने आप को कहां देखता हूं, दैट इज कॉल्ड विजन। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? लॉन्ग टर्म गोल। जैसे अगर मान के चलिए मैंने कोई इंडस्ट्री शुरू की है, मैंने कोई कंपनी शुरू की है, कोई बिजनेस शुरू किया है, तो तत्काल का मेरा जो टारगेट होता है उसे गोल कहा जाता है, उसे ड्रीम कहा जाता है कि भाई मैंने आज अगर शॉप खोली है तो मैं सोच रहा हूँ कि कल तक मैं माल बेचूंगा तो उसमें 10 बचेगा या 20 बचेगा या 50 बचेगा। दैट इज माई गोल, दैट इज माई प्रॉफिट। लेकिन मेरी ये सोच है कि आने वाले 10 साल के बाद मुझे अपनी इंडस्ट्री को वहां तक लेके जाना है, टॉप में लेके जाना है, इतने कस्टमर्स होने चाहिए, इतना प्रॉफिट होना चाहिए, इतना लाभ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड विजन। और ये विजन ही नहीं है जो हमें लंबे समय तक किसी चीज में टिकाता है। जैसे एक बच्चा है, जब वो 10th पास करता है, 10th को क्या बोलते हैं आपके यहाँ पे, इंटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मैट्रिक, हमारे मैट्रिक बोलते हैं। जब एक व्यक्ति 10th कंप्लीट करता है तो 10th कंप्लीट करते समय वो डिसाइड करता है कि उसकी लाइफ में उसका विजन क्या है। विजन मींस कि अगर मान के चलिए 10th में मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डॉक्टर की पढ़ाई। तो 10th कंप्लीट करके तुरंत डॉक्टर की पढ़ाई हो जाती है, 6 महीने में हो जाती है, 2 साल में हो जाती है, कितना टाइम लगता है भाई? मैंने 10th कंप्लीट की, फिर मुझे 11th और 12th जो है बायो से करना पड़ेगा, 12th के बाद मुझे पीएमटी क्वालिफाई करना पड़ेगा, पीएमटी क्वालिफाई करने के बाद मुझे मेडिकल में सीट मिलेगी, मेडिकल कॉलेज में सीट लेके 5 साल एमबीबीएस करना पड़ेगा, फिर किसी डॉक्टर के अंडर मुझे 3-4 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, फिर मैं अपना क्लिनिक खोलूंगा या मैं कहीं ऐसे डॉक्टर अपॉइंट होगा, वहां पर मुझे 2-3 साल का समय लगेगा, तब जाके मैं एक अच्छा डॉक्टर बन जाऊंगा। मतलब कितने साल की प्रोसेस हो गई? कम से कम 12 से 15 साल। अब इस बीच में मेरा कोई दोस्त है जो मेरे ही साथ पढ़ाई कर रहा था, उसकी 10वीं कंप्लीट करके आर्मी में जॉब लेते, अब वो बोल रहा है कि मैं 15,000 कमा रहा हूँ, तो मुझे कभी जलन होगी कि यार तो 15,000 कमाने लग गया, मेरी तो अभी कोई कमाई नहीं है? क्यों नहीं होगी? क्योंकि मुझे पता है कि उसका सेक्टर क्या है, मेरा सेक्टर क्या है। उसने आर्मी के लिए तैयारी कर ली, उसने आर्मी का फॉर्म भर दिया, उसने आर्मी में जॉब कर ली, वो 10वीं के बेस पे हो जाता है, 12वीं के बेस पे हो जाता है। लेकिन मैं जिस सेक्टर की तैयारी करने की बात कर रहा हूँ उसमें 10 से 12 साल 15 साल का वक्त लगता है। सही बोलो, ये 10th क्लास में ही मुझे समझ में आ जाएगा अगर मेरा विजन डॉक्टर बनने का है तो। अगर मैंने 10th में अपना विजन बना लिया कि मुझे इंजीनियर बनना तो मुझे क्या करना पड़ेगा? फिर मुझे 2 साल मैथ से जो है अपना 11th 12th करना पड़ेगा, पीईटी की तैयारी करनी पड़ेगी, मैं इंजीनियरिंग मैथ्स की जेई वगैरह की तैयारी करनी पड़ेगी, फिर जेई की तैयारी के बाद मुझे 4 साल इंजीनियरिंग करनी पड़ेगी, फिर ऐसे इंजीनियर में किसी कंपनी में अपॉइंट होगा, वहां पे जाके 2-3 साल जॉब करूंगा, एक्सपीरियंस होगा, उसके अकॉर्डिंग मुझे जॉब मिलेगी और उसके अकॉर्डिंग मेरी सैलरी है। मतलब कम से कम भी 2 साल वो, 1 साल पीईटी की तैयारी, उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग, मतलब 8 से 10 साल का वक्त लगेगा। सही बोल रहा हूँ? क्लियर हुआ मेरी बात? अब उस बीच में मैं अपने किसी दोस्त को कुछ भी करते देखूंगा तो भी मैं रुकूंगा क्या? क्यों नहीं रुका मैं? क्योंकि मुझे पता है कि वो क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूँ। ऐसे ही जिंदगी में हमारे लाइफ का एक विजन होना चाहिए कि हम जिंदगी में कहाँ पहुंचना चाहते हैं, दैट इज कॉल्ड विजन, दैट इज कॉल्ड विजन, दैट इज लॉन्ग टर्म। बात अंडरस्टैंड हो रही है? अब मैं ड्यूसॉफ्ट में आया हूँ, मैंने ड्यूसॉफ्ट एकेडमी में एडमिशन लिया हुआ है, आज मैं ड्यूसॉफ्ट में ज्वाइन किया हूँ,
अब मेरी ड्यूसॉफ एकेडमी को लेकर क्या थिंकिंग है, क्या सोच है? मैं ड्यूसॉफ में कहां पहुंचना चाहता हूं? क्या मैंने ड्यूसॉफ 2000 कमाने के लिए ज्वाइन किया? क्या मैंने ड्यूसॉफ 4000 कमाने के लिए ज्वाइन किया? क्या मैंने ड्यूसॉफ 10000 रुपए जो लगाए हैं वो वापस निकालने के लिए ज्वाइन किया? क्या मैंने ड्यूसॉफ 50000 कमाने के लिए ज्वाइन किया? क्या मैंने ड्यूसॉफ 1 लाख कमाने के लिए ज्वाइन किया है? या मैंने ड्यूसॉफ अपनी जिंदगी बनाने के लिए, अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन किया? अपना करियर बनाने के लिए ज्वाइन किया, कहीं ना कहीं शायद अपने सपने पूरे करने के लिए ज्वाइन किया। क्या मेरी बात से सहमत हैं आप? लेकिन जैसे ही हमें मार्केट में 2-4-10 लोगों की ना मिलती है, हम तुरंत बोलते हैं सर मेरा 2000 का चेक नहीं है, मेरा 4000 का चेक नहीं है, मेरा 10000 का चेक नहीं है, मेरा 20000 का चेक नहीं है। मतलब हमने दूसरों 10000 के लिए ज्वाइन किया नहीं, हम दूसरों का अपना करियर बनाने आए। तो क्या चीजें होनी जो हमें पता होनी चाहिए? सबसे पहली चीज जो इम्पोर्टेंट हमें पता होनी चाहिए, नेक्स्ट करते जाइए आते जाइए, फोर पावर ऑफ सक्सेस होगी। कामयाबी के लिए हमारे सिस्टम में 4 पावर होती है। नेक्स्ट करिए फटाफट, सबसे पहली चीज होती है गोल, कि हमारे पास एक गोल होना चाहिए, ड्रीम होना चाहिए। सेकंड चीज होती है, वो होती है एक सही रास्ता, कि किस रास्ते में चलकर हम कामयाब होना चाहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद होता है बेस्ट व्हीकल, कि हम किस व्हीकल का सहारा ले रहे हैं। और उसके बाद लास्ट होता है कि हमारे पास ड्राइवर क्या है। अब ये चारों चीज क्या है इसमें समझिएगा। सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट होती है गोल। हमारी लाइफ में हमारा गोल क्या है? हमारी लाइफ में हमारा 2000 कमाना गोल है, 500 कमाना गोल है, 10000 कमाना गोल है? नहीं। अगर आप वाकई में जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो आपका गोल होना चाहिए कि मुझे फाइनेंशियल फ्रीडम और एक लाइफ स्टाइल हासिल करना है। फाइनेंशियल फ्रीडम क्या होता है? फाइनेंशियल फ्रीडम होता है कि जब मैं अपने परिवार के साथ मार्केट में शॉपिंग करने जाता था तो मुझे ये बोल के रोक दिया था कि बेटा बढ़ते आम के कपड़े ले या फिर बजट में कपड़े ले। लेकिन आज जब मैं अपने परिवार के लिए खरीदी करने के लिए जाता हूँ तो मैं ये नहीं सोचता कि पहले से कितने जोड़ी पड़े हुए हैं और किस उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या उस पर्टिकुलर कपड़े में कौन सा प्राइस लगा हुआ है। मैं उस प्राइस टैग को नहीं देखता बल्कि मैं उसकी क्वालिटी को देखता हूँ। दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। हमें उस फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए भाग लेना। लाइफ स्टाइल मतलब क्या होता है? देखिए जिंदगी तो सबको मिली हुई है, लेकिन दो तरह के लोग होते हैं जिंदगी में। एक अपनी जिंदगी को काटते हैं, दूसरे अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो हमें जिंदगी को जीना है और जिंदगी जीने के लिए आज की डेट में पैसा जेब में होना बहुत जरूरी है। दैट इज मतलब अल्टीमेटली अगर बोलूँ तो अच्छा खासा पैसा होना चाहिए। हमारा सबसे पहला गोल ये होना चाहिए कि भाई हमें लाइफ में किस तरह की फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। हम आर्थिक आज़ादी के योद्धा, हम आर्थिक आज़ादी के लिए मेहनत कर रहे हैं, ना कि 2-4-10 हज़ार रुपये कमाने के लिए। हमारा गोल ही होना चाहिए। सेकंड चीज, अगर हमें इस गोल को कंप्लीट करना है, इस सपने को कंप्लीट करना है, इस टारगेट को कंप्लीट करना है, तो भैया हमारे पास रास्ता क्या है? तो बहुत सारे रास्ते हैं आपके पास। आप जॉब कर सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं, आप नेटवर्क मार्केटिंग कर सकते हैं। जॉब में अगर देखा जाए तो कितने लोगों को आप जानते हैं जो नौकरी पेशा है उनके पास पैसे की आज़ादी है? जानते हैं आप किसी को? और जरूरी नहीं है कि वो अभी अभी जॉब में लगे, हो सकता है वो 50 साल से नौकरी करते हैं। मैंने देखा है लोगों को नौकरी करते हुए 1 साल हो जाता है, 2 साल हो जाता है, 3 साल हो जाता है, 5 साल हो जाता है, 8 साल हो जाता है, 10 साल हो जाता है, और उसके बावजूद उनके पास पैसे की आज़ादी नहीं होती। उसके बावजूद भी अब उनके घर में कोई कार्यक्रम होता है, कुछ होता है, तो वो पैसे का जुगाड़ करते हुए नजर आते हैं। हमारे पास एक सही रास्ता होना चाहिए और वो रास्ता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। ये रास्ता कैसे सही है कि आपको आगे क्लियर होगा। उसके बाद होता है बेस्ट व्हीकल। आज नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर ऑल ओवर इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड में आपको लाखों कंपनीज मिल जाएगी। बहुत सारी कंपनीज है, बहुत सारे सिस्टम्स हैं। आपको आज की डेट में बिहार के अंदर तो मैंने सुना हर गली मोहल्ले में एक नई कंपनी मिल जाती है। क्या मेरी बात से सहमत हो? यस सर। चाहिए तो हम ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करें, ड्यूसॉफ्ट ही क्यों करें। और उसके बाद चौथी सबसे बड़ी चीज होती है बेस्ट ड्राइवर। किस ड्यूसॉफ्ट में कामयाब होने के लिए आपका ड्राइवर कौन है? क्योंकि अगर एक सही ड्राइवर नहीं होगा तो आपकी गाड़ी कितनी भी अच्छी होगी, गाड़ी आपको वहां तक लेके जाएगी। तो हमारे पास एक बेस्ट ड्राइवर है जेनेसिस इंटरनेशनल टीम। अभी क्या आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात, जब आप ड्यूसॉफ्ट को लेकर मार्केट में जाओगे तो आपको मार्केट में क्या चीजें फेस करनी होगी? अगर मैं दुनिया का कोई भी बिजनेस कर रहा हूँ और मैं मार्केट में जा रहा हूँ तो आगे बढ़ाएंगे, मुझे पता होना चाहिए कि उस बिजनेस को लेकर मार्केट की मेंटेलिटी क्या है, लोगों की इस व्यापार को लेकर सोच क्या है। जब मैं पहली बार लाइफ में आगे बढ़ा ड्यूसॉफ्ट को लेकर, जब मैं लोगों के पास जाना था तो लोग मुझसे किस तरह की बातें करते हैं, और आप जब इस ड्यूसॉफ्ट को लेकर मार्केट में जाओगे तो लोग आपसे किस तरह की बातें करेंगे। सबसे पहली बात,
या मैं लिखा हुआ मार्केट पीपल डोंट नो अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, दे आर लाइक वन एलिफेंट इन सिक्स फ्लाइट। देखिए इस मार्केट में लोगों का हाल कैसा है, 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में ज्यादा सुना नहीं है, ज्यादा पता नहीं, उन्हें सिर्फ इतना पता है कि कोई कंपनी है, 10,000 रुपए लगाने, बंदे जोड़ दे, पैसा आता है, जैसा कि मेरी सोच बताते थे। सही बोल रहा हूँ? यस सर। अगर आप किसी ढंग से पूछ लो कि ड्यू स्टॉक है क्या, सर मुझे बता दिया, नेटवर्क मार्केटिंग है क्या मुझे बता दे, तो वो व्यक्ति नहीं बता पाएगा। वो 2 घंटे आपको दुनिया भर का ज्ञान देगा, लेकिन यही बताएगा नेटवर्किंग है, कंपनी है, 10,000 लगाने, बंदे जोड़ दे, पैसा आता है। सही बोल रहा हूँ? और ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब भूलने की बात, ये सब पत्ती। जब मैं भी मार्केट में लोगों के पास जाता था, पर अब ये नेटवर्किंग का हाल कैसा पता है, नेटवर्किंग का हाल है ग्रुप टाइप। मतलब नेटवर्किंग का किसी को प्लान बस दिखा दो तो उसका हाल ऐसे होता है जिसने भूत देख लिया है, गायब उसके पास। अगर मैंने किसी को डिस्काउंट का प्लान दिखा दिया, गायब हो जाता था, फोन ही नहीं उठाएगा, मिलेगा है नहीं, घर जाओ दरवाजा खटखटाओ तो अंदर से कोई कोई आवाज नहीं आएगी, जैसे तैसे आवाज आई तो यही आवाज आएगी भैया वो घर पे नहीं है, ठीक है, कॉल लगाओ तो कॉल उठेगा नहीं, या तो कॉल लगाओ तो पता चलता है कि भैया फॉरन पहुंच गया, वो यहाँ है ही नहीं। बड़ा ऐसी कंडीशन होती है। जब नेटवर्किंग के बारे में आप इससे चर्चा करोगे तो यही मार्केट की मेंटेलिटी है। मार्केट की मेंटेलिटी क्या है, कंपनी है, नेटवर्किंग है, बंदे जोड़ने हैं, दो बनाने का काम है, मेंबर बनाने की स्कीम है, फंसने फंसाने का काम है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि लोगों की ये सोच क्यों, लोग ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं। नेक्स्ट चीज, लोगों की ये सोच इसलिए है, लोगों की ये सोच इसलिए है क्योंकि लोगों का हाल बिल्कुल ये 6 लोगों की तरह है जिनकी आंखों पट्टी बंधी हुई है, इन्हें अंधा कर दिया गया है और इन्हें हाथी के बगल में खड़ा करके इनसे पूछा जा रहा है कि हाथी क्या है, तो इनका क्या कहना है पता है? एक बंदा बोल रहा है रोप है, रोप यानी कि रस्सी। अगला बंदा बोल रहा है कि पोल, पोल का मतलब खंभा। अगला बंदा बोल रहा है कि दीवार है। ये बंदा बोलता है कि ये पंखा है। ये बोल रहा है कि होश है, होश यानी कि बाला, ठीक है, बारह बोलो सॉरी, होश यानी कि पाइप। और अगला बंदा है स्पेयर, स्पेयर यानी कि बाला, ठीक है। 6 अलग अलग तरह के लोगों की 6 अलग अलग तरह की मेंटेलिटी। कोई पाइप कह रहा है तो कोई पंखा कह रहा है तो कोई रस्सी कह रहा है तो कोई बंदा कह रहा है कि ये दीवार। क्यों? 6 तरह के लोगों की 6 अलग अलग तरह की बातें मिल रही हैं। वजह क्या है, वजह क्या है आप बताइए? वजह सिंपल सी है कि ये 6 के 6 लोगों को नहीं पता कि हाथी है क्या, उनकी आंखों में तो पट्टी बांध के उसे हाथी के बगल में खड़ा कर दिया गया और जैसा वो छू रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वैसा ही वो बता रहे हैं। सेम हाल नेटवर्क मार्केटिंग कि जब नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर आप किसी के सामने जाते हो तो ज्यादातर लोगों को इस नेटवर्क इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं है, जिसमें जैसा सुना, जिसको जैसा पता है वो वैसी बात करने लगेगा। कोई कहेगा नेटवर्किंग है, कोई बोलेगा कंपनी है, कोई बोलेगा जोड़ने का काम है, कोई बोलेगा मेंबर बनाने हैं, बड़ा हर बंदा अपने अपने तरीके की बात करे। लेकिन क्या इन लोगों को हम सही बोल सकते हैं? बोल सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं बोल सकते दोस्त। क्या हाथी वाकई का पंखा होता है? क्या हाथी वाकई रस्सी है? क्या हाथी दीवार है? क्या हाथी भाला है? नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हाथी क्या होता है। तो लोगों ने 4 तरह की बात कर दी, मतलब उसका ये नहीं है कि नेटवर्क मार्केटिंग भी वही होगी। नेटवर्किंग जोड़ने का काम हो गया, नेटवर्किंग बंदे बनाने का काम हो गया। नेटवर्क एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री क्या है वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा, लेकिन लोगों की ये सोच इसलिए क्योंकि उन्हें इतना ही पता है। लैक ऑफ नॉलेज, जानकारी के अभाव की वजह से लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। क्योंकि आपने मार्केट में लोगों को नौकरी करते हुए देखा होगा, लोगों को व्यापार करते देखा होगा, लोगों को धंधा पानी करते हुए देखा होगा, लेकिन आपने सुना ही नहीं होगा कि उसके बड़े भैया या उसके पापा जी या उसके चाचा जी नेटवर्कर थे और बहुत अच्छी पोजीशन में है। आपने सुना है, देखा है? जब देखा ही नहीं है तो लोग कैसे बताएं? वैसे भी दुनिया लोगों को देखकर ही आगे बढ़ती है। भाई आपने 30 साल पहले सरकारी नौकरी का बताओ तो लोग भाग जाते थे, लेकिन आज लोग सरकारी नौकरी के पीछे पीछे भाग रहे हैं क्योंकि लोगों को करते हुए देख रहे हैं। सही बोलो? तो वैसे ही आप नेटवर्क मार्केटिंग को देखा कि लोग इस तरह की बातें सिर्फ इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है, जानकारी नहीं है। तो आप जब मार्केट में किसी को प्लान दिखाने जाओ तो आप भी ये चीज दिमाग में बिठा लीजिए कि जब आप लोगों से बात करने जाओगे तो लोग आपसे इस तरह की बातें करेंगे, लोगों की इस तरह की मेंटेलिटी है। दूसरी चीज, मार्केट में एक लॉ ऑफ एवरेज और काम करता है। शुरुआत में मुझे लॉ ऑफ एवरेज पता ना होने की वजह से मैं बहुत ज्यादा टेंशन में जाता था। सर बैक कीजिए, बैक कीजिएगा, बैक और बैक कीजिए, और बैक कीजिए, नेक्स्ट चीज, नेक्स्ट चीज, आगे बढ़ाइए। लॉ ऑफ एवरेज, लॉ ऑफ एवरेज क्या है? नेक्स्ट,
आज मार्केट में आप कहीं भी जाओ आपको लॉन्ग एवरेज दिखाई देगा। सबसे पहले स्कूल में कॉलेज में ट्यूशन क्लास में आप देखोगे अगर वहाँ पे 100-200 बच्चे हैं तो क्या सारे के सारे बच्चे टॉप करते हैं? क्या सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं? क्या सारे बच्चे पास हो जाते हैं? तो नहीं होता। आप किसी भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे हर जगह किसी भी जगह पर ऐसा नहीं होता। आप किसी शोरूम के अंदर चले जाते आपके आसपास अगर कोई दुकान हो या कोई बड़ा शोरूम हो तो आप देख रहे बहुत सारे लोग जाते हैं कि सारे लोग खरीदी करते हैं नहीं करते। आप किसी मोबाइल शॉप में जाकर देखो वहाँ पे एक से एक मोबाइल रखे हैं बजट वाले भी हैं महंगे भी हैं सारे मोबाइल लेकिन लोग क्या सारे लोग मोबाइल खरीदते हैं जितने लोग आते हैं। आप किसी भी शोरूम के अंदर जाइए आप किसी भी शोरूम के अंदर जाओ स्कूल के अंदर जाओ मोबाइल शॉप पे जाओ यहाँ पे क्या एवरेज चलता है? एवरेज क्या चलता है? एवरेज सिंपल का चलता है कि अगर 100 लोगों को कोई चीज बताई जाती है तो उसमें से 30-30-30 10 का एवरेज चलता है। क्या होता है 30-30 एवरेज क्या होता है 10 का एवरेज? नेक्स्ट 30% लोगों की उस चीज को लेकर पॉजिटिव थिंकिंग होती है 30% लोगों की उस चीज को लेकर नेगेटिव थिंकिंग होती है 30% लोग उसमें पॉजिटिव भी सोच सकते हैं नेगेटिव भी और 10% लोग सैंपल भी सोचते हैं। यानी कि आप किसी शोरूम पे जाओगे आप देखोगे तो जो लोग खरीदी करने आ रहे हैं उसमें 30% लोग बोलेंगे भैया कमरा बहुत अच्छा है माल आपका बहुत अच्छा है रेट भी वाजिब है लेकिन मुझे थोड़ा सा और बजट में चाहिए था कितने में पड़ेगा बता दीजिए उसके साथ मोलभाव करेंगे समझ में आता है तो खरीदी कर लेंगे। सही बोल रहा हूँ? लेकिन 30% लोग ऐसे मिलेंगे जिसको ये खूब समझा रहा है कि नहीं भैया कपड़े की क्वालिटी बहुत अच्छी है रेट बहुत सही है इतने बजट में आपको कहीं नहीं मिलेगा फिर भी वो बोल रहा है नहीं यार जम नहीं रहा नहीं जम क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है इससे बेटर क्वालिटी देखिए इसे कम रेट देगा मैंने तो कुछ भी समझा दो ये निगेटिव बिहेव करे और ये वहां से खरीदी करने वाला नहीं है। फिर उसके बाद पॉजिटिव और निगेटिव 30% लोग इस कैटेगरी के मिलेंगे जो पता है इनको सब कुछ समझा दो आप सारे सवाल पूछेंगे सारे जवाब दे दो फिर भी इनका अंतिम में जवाब रहेगा सोचता हूँ देखता हूँ फिर बताऊँ। सही बोल रहा हूँ मैं? मतलब इनके लिए मैं बोलता हूँ ये चिंतन करेंगे फिर मनन करेंगे उसके बाद भी कुछ नहीं करेंगे ये ऐसे ही लोग भैया ऐसा करो माल निकाल के रखो हम आते हैं और कभी जिंदगी में वापस नहीं। सही बोल रहा हूँ? और इसके अलावा 10% इस कैटेगरी के लोग मिलेंगे। ये किस तरह की कैटेगरी के लोग होते हैं पता है? एक बार एक शॉप में एक आदमी टोपी खरीदने के लिए आया। क्या खरीदने के लिए आया? टोपी हैट खरीदने के लिए आया। उसने बोला भैया मेरे को इस टाइप की हैट चाहिए। उसने सारी हैट निकलवा दी सारी हैट उसने दिखाई बंदे ने बोलता है यार इसमें ऐसा है इसमें वैसा है ये बड़ी है ये छोटी है इसमें ऐसा है इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं ये मुझ पर जम नहीं रही इसका रेट अच्छा नहीं है। उसने और हैट ऊपर से निकाल के लिया गोदाम खाली कर दिया सब कुछ खाली कर दिया जैसा उसने बोला वैसी उसने सारी हैट दिखाई शॉपकीपर लेकिन उसके बावजूद अंतिम पे जाके उसको एक हैट पसंद आई बोलता यार ये वाली जो गैप है ना ये मुझे जम रही कितने की है भैया फ्री में ले जा बोलता क्यों मतलब भैया ये आप ही की हैट है आप किसी को पहन के आए थे मतलब ये उस सैंपल टीम के टाइप के लोग इन्हें लेना कुछ नहीं है करना कुछ नहीं है बातें दुनिया की करेंगे और अंतिम में लेंगे कुछ बात अंडरस्टैंड कर रहे हो आर्ग्यूमेंट टाइप के भाई मार्केट में एक शॉप में जो है शॉपकीपर था फ्रिज बेचता क्या बेचता था उसके पास एक बंदा आया उसको लेना कुछ नहीं था लेकिन उसने बोला यार चलो खाली है टाइम पास करके आते हैं वहाँ गया सेल्समैन के पास वहाँ जाके बोलता है भैया वो फ्रिज मिलेगा आपके फ्रिज पूछता है भैया कितने लीटर का चाहिए आपको सबसे पहले फ्रिज वाले यही पूछते हैं कितने लीटर का फ्रिज चाहिए 180 लीटर का है 200 लीटर का है 220 लीटर का है 300 लीटर का है फुल साइज का चाहिए हाफ साइज का चाहिए कैसा चाहिए मतलब भैया मीडियम दिखा दो ठीक है चलो 220 लीटर का दिखाया मतलब भैया फ्रिज कौन सी कंपनी का रखते हैं बोले हमारे पास वर्लपूल का है सैमसंग का है ठीक है हमारे पास इस कंपनी का उस कंपनी का बोलते हैं अच्छा पैनासोनिक का नहीं पैनासोनिक भैया पैनासोनिक की क्वालिटी कहाँ होती है वर्लपूल का ज़्यादा बेटर होती है बोलता है नहीं भी मैंने सुना है पैनासोनिक के पास ज़्यादा अच्छी क्वालिटी उसकी वारंटी 3 साल की होती है भैया वर्लपूल का लेके जाइए 7 साल वारंटी देता है इससे अच्छा मिलेगा ही नहीं आपको इस तरह वारंटी कोई कंपनी नहीं देगी फिर वो बोलता है अच्छा मैंने सुना है इसका जो कूलेंट है इसके अंदर जो ऑपरेशन लगा होता है कुछ दिनों बाद खराब हो जाता है बोले भैया 6 सिग्मा क्वालिफिकेशन मिला हुआ है 6 सिग्मा क्वालिफिकेशन मतलब पूरे इंडिया में एक मात्र ऐसी कंपनी जो बोलती है इसकी क्वालिटी इसका बेटर कंप्रेशन किसी का नहीं आप इसको लेके जाइए कभी भी आपका खराब हो जाए रिप्लेसमेंट देंगे सुधार भी नहीं देंगे हम चेंज करके देंगे आप गारंटी है बिल्कुल 7 साल की गारंटी है मतलब चलिए ठीक है सब तो ठीक है अच्छा आपके पास कौन कौन से कलर है बोलेगा भैया मेरे पास रेड कलर मिल जाएगा आपको व्हाइट कलर मिल जाएगा क्रीम कलर मिल जाएगा ब्लैक कलर मिल जाएगा
बोलेगा ग्रीन ही ग्रीन 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 कलर की ग्रीन बोल रहा है भैया, देखिए ग्रीन कलर का जो फ्रिज है वो मैन्युफैक्चर होता ही नहीं है, वो घर के हिसाब से होता ही नहीं है। आपने कभी ग्रीन कलर का फ्रिज देखा कहीं पर? देखा ही नहीं होगा, उस तरह का मैन्युफैक्चर नहीं था। पता नहीं यार भैया, अगर ग्रीन कलर का होता ना तो मैं ले लेती आपको मार्केट में कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे, ये बोलेंगे अच्छा कंपनी भाग गई, तो आपने बोला नहीं भैया कंपनी इतने साल से चल रही है ऐसा है वैसा है, इसलिए नहीं भागती। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा धोनी बने तो आपने बोला भैया इसलिए इसलिए। अच्छा बोले एजुकेशन की जो मिल रही है इसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता, तो आपने बताया कि सर एजुकेशन की ऐसी क्वालिटी है हम ऐसे ट्यूटोरियल प्रोवाइड करते हैं। अच्छा 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 ये वाला कोर्स है क्या इसमें? अच्छा ये वाला कोर्स और होता ना तो मैं ले, अगर आपकी कंपनी सामान बेच रही होती ना, साबुन तेल कंगी मंजन पाउडर कुछ भी दे रही होती ना, तो मैं कर लेता। बात अंडरस्टैंड हो रही? ये आर्ग्यूमेंट टाइप के लोग, ऐसे लोगों से पूरी जिंदगी दूरी बनाए, इनको लेना कभी कुछ ही नहीं है, ये सिर्फ आपके साथ टाइम पास करेंगे और आपका दिमाग खराब करेंगे। बात अंडरस्टैंड हो रही? जब मैं ड्यूसॉन का प्लान दिखाने लोगों को जाता हूँ तो ये चीज मैं दिमाग में बिठा कर बैठा कि भैया जब मैं 100 लोगों को ड्यूसॉन का प्लान दिखाऊंगा तो 30 लोग मेरे साथ आएंगे, 30 लोग मेरे साथ नहीं आएंगे, 30 लोग बोलेंगे भैया देखेंगे सोचेंगे बताएंगे और 10% सैंपल फीस मिलेगी, मतलब 100 में सिर्फ 30 आएंगे, 70 लोग नहीं आएंगे। अब जरूरी नहीं है 30 शुरू के, हो सकता है शीर्ष 30 शुरू में मिल जाए, हो सकता है 30 बीच में मिल जाए, हो सकता है 30 अंतिम में मिल जाए, हो सकता है कि एक एक रुक के 30 मिल जाए, लेकिन 30 लोग आएंगे ही, बशर्ते क्या आपने मार्केट में 100 लोगों को प्लान दिखाया, नहीं दिखाया। लेकिन जब से मुझे ये चीज समझ में आई तब से मुझे मार्केट की नेगेटिविटी की कोई टेंशन, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि मैं 10 लोगों को प्लान दिखाने जाऊंगा तो 7 लोग नेगेटिव मिलेंगे ही, इन्हें मैं कुछ भी समझा लूं, इन्हें मैं राहुल कुमार सर के 5-5 लाख की भी चेक दिखाऊंगा फिर भी ये बोलेंगे मेरा नहीं आया। तो बात समझ आ रही? तो ऐसे लोगों का स्थिति में कुछ नहीं हो सकता, इनका ये मानिए कि मैया घूम चुकी है, अंतिम संस्कार होने वाला है, इनके लिए टाइम बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं, इनको छोड़ो और आगे बढ़िए। बात अंडरस्टैंड हुई? मैंने वही थी कॉन्सेप्ट पे काम किया कि मैं हमेशा जो है आगे बढ़ते जाता हूँ, आगे बढ़ते जाता हूँ, मैंने कभी उस सात लोगों की परवाह नहीं की जिन्होंने मुझे मना किया, और मेरे दिमाग में एकदम सेट करके बैठा कि 10 लोगों को समझाऊंगा तो 3 लोग आएंगे, 7 लोग नहीं आएंगे, इसलिए मेरा आज काम चल रहा है। और ज्यादातर लोगों को मैंने देखा है कि वो ऐसा ही 7 लोगों के लिए सबसे अपना टाइम वेस्ट करते, अगले 3 लोगों तक पहुंचते ही नहीं। बात अंडरस्टैंड कर रहे? क्लियर? अब इसके बाद अगली चीज क्या होती है नोट कर, हमारा बिजनेस क्या है? हमारा बिजनेस क्या? नेक्स्ट, हमारे बिजनेस में लोग क्या बोलते हैं? हमारे बिजनेस में लोग बोलते हैं सर कन्विंस करने का काम, ठीक है, क्या वाकई कन्विंस करने का काम, क्या वाकई इसमें लोग कन्विंस कर रहा होता है? भूल जाइए दोस्त कन्विंस करना, आज की मार्केट में कन्विंस करके कोई काम नहीं चलता। आपने थोड़ा सा भाव किसी को दिया तो सामने वाला सोचता है कि भैया आपको उसकी जरूरत है ना कि उसे, वो व्यक्ति कभी नहीं आएगा। हम किसी को कन्विंस करने का काम नहीं करते, हमारा बिजनेस कन्विंस करने का है ही नहीं, हमारा जो बिजनेस है वो सिलेक्शन और रिजेक्शन का। सिलेक्शन रिजेक्शन समझती? आप मार्केट में जाते हो, कपड़े देखते हो, आपको बोलता है भैया ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है, आपको कौन सा ले, आप उसे सिलेक्ट कर ले। जब मार्केट में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वहां पर जो इंटरव्यूअर होता है वो सिलेक्ट करता है कि किसको रखेगा किसको नहीं रखेगा। सेम हमारा बात कि जब आप मार्केट में किसी व्यक्ति को प्लान दिखाने जाते हो तो शो द प्लान का थर्मामीटर बंदे के मुंह में डालो और चेक करो कि कामयाबी का बुखार है कि नहीं है, अगर बुखार है तो बोलो आ जा नहीं तो झटको और दूसरे मुंह में। सिंपल है, समझ आ रहा है? हमने इसी कॉन्सेप्ट कि भैया हमारे पास जब भी प्लान होता था, नेक्स्ट करिए, जब भी प्लान होता था जब हम लोगों के पास जाते थे तो हमने थर्मामीटर एसटीपी का लोगों के मुंह में डाला, अगर सामने वाले को कामयाबी का बुखार है तो हमने सिलेक्ट किया, अगर सामने को कामयाबी का बुखार नहीं है तो हमने रिजेक्ट कर। सिंपल देखो, ये जो बिजनेस है ये फाइनेंशियल फ्रीडम का है। लोग क्या करते हैं? लोग मार्केट में जाते हैं, प्लान करते हैं, फॉलोअप करते हैं, नाइट में आके डिस्कस क्या करेंगे, यार मैंने ना 4 प्लान दिखाए एक भी नहीं है। अगला बोलेगा यार मैंने भी 2 दिखाए थे मेरा भी नहीं है। अगला बोलेगा यार मैं तो गया तब मेरा तो सिर्फ प्लान ही नहीं देखा किसी ने। बैठ के जो है ये डिस्कशन चल रहा है, यार 2 दिन हो गया मैं प्लान कर रहा हूँ लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। अगर आप डेली अगर ये चीज करोगे ना
कि डेली आप जा रहे हो मार्केट में प्लान कर रहे हो, फिर उसका रिस्पांस मिला या नहीं मिला आप कर रहे हो और उसके बाद उसको काउंट कर रहे हो, तो आप ड्यूस ऑफ एकेडमी में कोई बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आप कर रहे हो, आप चला रहे हो एक छोटी सी सब्जी की दुकान कि सुबह उधार में माल लेकर आए, दिन भर ठेला लेके सब्जी ले लो सब्जी ले लो सब्जी ले लो किए, और शाम को आके कैलकुलेट कर रहे हो कि भैया इतना माल बिका तो दो बचा, पांच बचा, आठ बचा, दस बचा, बीस बचा, पचास बचा या सौ बचा। अगर आप डेली देख रहे हो कि भैया कितना बिका कितना नहीं, कितना प्रॉफिट हुआ कितना नहीं, तो वो हो जाएगी सब्जी की दुकान, वो कोई बिजनेस नहीं होगी। दुनिया के हर बिजनेस को जमाना पड़ता है, जिसमें वक्त लगता है, पैसा लगता है, मेहनत लगती है, तीनों चीज लगती है। और ड्यूस ऑफ एक बिजनेस है फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करने का। मैंने देखा है लोगों की पूरी उम्र बीत गई, वो हमेशा एक बात कहते रहते हैं, ठीक है हमने ये बाल ऐसे सफेद थोड़े किए बेटा, जितना तुम्हारा उम्र है ना उतना तो हमारे को एक्सपीरियंस है, अनुभव है। अब तुम बताओगे कि क्या करना है, बातें बड़ी बड़ी करेंगे लेकिन पता चलता है उनकी बातों के हिसाब से उनका अकाउंट बैलेंस चेक करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि -54 रुपीज, घर में कोई पैसा है नहीं, बेटा पूछ नहीं रहा, खुद के खाने के वादे। तो ऐसे लोगों की बातों में मत जाओ जो बातें दुनिया की करेंगे लेकिन खाने के लिए उनके पास खुद नहीं। आज भी एडजस्टमेंट के सब पे जी रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल फ्रीडम की। और अगर फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना है, पैसे की आज़ादी हासिल करनी है, तो वक्त लगता है। बात समझ आ रहे हैं आप? वी आर नॉट द सेल्समैन, हम ड्यूस ऑफ में भी सेल्समैन नहीं है। कुछ लोग मुझसे, मेरा एक दोस्त था, मैंने उसे प्लान दिखाया, बोलता मुझे ये भी पता, मुझे वो भी पता, ऐसा बता वैसा बता, मैंने बताया यार मैं ड्यूस ऑफ का सेल्समैन थोड़ी, आई एम नॉट द सेल्समैन ऑफ ड्यूस ऑफ। भाई मेरा काम घर घर जाके लोगों को ये समझाना नहीं है कि सर मैं ड्यूस ऑफ से आया हूँ, सर ये देखिए ब्रश है, ये देखिए सर जीवी है, ये देखिए सर तंगी है, एक बार करके देखिए सर बहुत अच्छी। मेरा काम सेल्समैन की तरह लोगों को प्रोडक्ट बेचना नहीं है। वी आर नॉट द सेल्समैन ऑफ ड्यूस ऑफ, हम कोई सेल्समैन नहीं है, हम कोई कॉमन मैन नहीं है, वी आर बिजनेसमैन, वी आर हाई टेक प्रोफेशनल। और एक बिजनेसमैन को आप देखोगे उसको देख के समझ में आता है कि वो बिजनेस कर रहा है। और एक बिजनेसमैन जो थिंकर होता है वो हमेशा पॉजिटिव थिंकर होता है, लॉन्ग टर्म सोचता है, वो तुरंत के नुकसान से ज्यादा तो आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल के बाद के फायदे के बारे में सोचता है। सही बोल रहा हूं? यस सर। अगर सिर्फ तत्काल के बारे में सोचना तो सुबह जाओ दिहाड़ी लगाओ, शाम को आओ 200 रुपए जेब में होगा, सिंपल सा काम। सही बोल रहा हूं? लेकिन किसी मजदूर को, किसी किसान को कभी ज्यादा पैसा कमाते देखा है? क्यों नहीं कमाते वो लोग ज्यादा? वो जिंदगी भर सिर्फ जो है कुछ देर की और पेड़ की भूख शांत करने के दौड़ते हैं, इसलिए वो ज्यादा पैसा नहीं कमाते। नेक्स्ट। पर हमारा काम ऐसा नहीं है, वी आर आईटी प्रोफेशनल्स। एक बहुत प्यारी स्टोरी है जो हमें समझाती है कि हमारा बिजनेस एक्चुअल में है क्या। एक बार क्या होगा, एक व्यक्ति फ्लाइट से जा रहा, एक व्यक्ति फ्लाइट से जा रहा था, उसे अचानक पता चला कि उसके बगल में जो व्यक्ति बैठा है वो व्यक्ति एक कंपनी का मालिक है, राडो। राडो घड़ियां है जिसकी मिनिमम कॉस्ट होती है 40,000 की सबसे सस्ती घड़ी है उसकी, वहां से स्टार्ट होती है। और इसकी घड़ियां जो है 10-10 लाख 50-50 लाख और 1-1 करोड़ तक की घड़ियां मिल जाएगी आपको मार्केट। और ये किसी नॉर्मल से घड़ियों के शोरूम में या फिर घड़ी दुकान पर नहीं मिलती है, ये ज्वेलरी शॉप पर मिलती है। तो एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति था वो बगल में बैठा था, उसे पता चला कि ये बगल में मेरे शख्स बैठा है, ये राडो कंपनी का मालिक। तो उनसे पूछता है कि सर व्हाट्स योर वॉच बिजनेस गोइंग ऑन, आपका जो घड़ियों का व्यापार है वो कैसा चल रहा है। अरे घड़ियों का व्यापार कहा है, तो घड़ियों का व्यापार, मैं कोई घड़ियों का व्यापार नहीं करता, मैं घड़ियाँ बेचता ही। बोले नहीं सर मुझे पता है कि राडो जो कंपनी की जो घड़ियाँ हैं आप उस कंपनी का मालिक। बोले मैं राडो की घड़ियाँ बेचता जरूर हूँ पर मेरा व्यापार घड़ी का नहीं है, आपको अगर घड़ी ही देखनी हो टाइम देखने के लिए तो मार्केट में 10 रुपए से लेकर आपको 10,000 तक की घड़ियां मिल जाएगी, टाइटन की मिल जाएगी आपको, मैक्सिमा की मिल जाएगी आपको, HMT की मिल जाएगी आपको, हर कंपनी की घड़ियां मिल जाएगी जो 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए 500 रुपए 1,000 रुपए 2,000 रुपए 5,000 रुपए 10,000 रुपए तक में मिल जाएगी। और वो सारी घड़ियां सेम टाइम दिखाती। लोग राडो की घड़ी इसलिए नहीं खरीदते क्योंकि उन्हें टाइम देखना है, वो ऐसे करके दिखाते हैं कि राडो पहनी हुई है, वो अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए राडो का इस्तेमाल करते हैं। बात अंडरस्टैंड हो गई? यस सर। वो समय देखने के लिए घड़ी नहीं पहनते, वो राडो की जो घड़ियां है वो इसलिए पहनते हैं ताकि वो दिखा सके कि मैं अमीर हूं, मैं रिच हूं। और जितना पैसा टाइटन वाले, मैक्सिमा वाले
50 घड़ियां, 100 घड़ियां और 200 घड़ियां बेच के कमाते हैं, उतना में एक घड़ी बेच के कमाते हैं। बात अंडरस्टैंड कर रहे हैं? उसे अच्छे से बताएं कि वो घड़ियों के बिजनेस में नहीं है, वो एक स्टेटस सिंबल बेच रहा है उस चीज के बिजनेस में। तो क्या हम जानते हैं हम भी इस बिजनेस में? हम 2000 वाले बिजनेस में, 4000 वाले बिजनेस में, या 10000 वाले बिजनेस में? लोग 300 को 10000 का बिजनेस बोलते, तो हम किस तरह के बिजनेस में? हमारा बिजनेस क्या है? हमारा सीधा सा एक बिजनेस है, वी डील विद द डीलर्स। हम लोगों के सपनों को टच करते हैं, हम लोगों के सपनों को जगाते हैं, हम अपने सपनों के लिए दौड़ लगाते हैं। लोगों की पूरी जिंदगी बीत जाती है, वो सिर्फ अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं, जरूरतों के अलावा कुछ भी नहीं सोचते। पर हम कहीं ना कहीं अपने सपनों को पूरा करने के लिए दौड़ लगाते हैं। क्या आपके सपने हैं? Yes. मैंने देखा है ड्यूसॉक में से वही शख्स आता है, वही शख्स एडमिशन लेता है जिस व्यक्ति का जिंदगी में कोई ना कोई सपना होता है। लेकिन जरूरतें पूरी करनी हो तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है, पर सपना पूरा करना हो तो मार्केट में आज की डेट में कोई भी ऑप्शन नहीं। सही बोलो। हमारा कॉम्पिटिशन क्या है? कई सारे लोग कॉम्पिटिशन करते हैं हमारा। नेक्स्ट सीरीज आगे बढ़िए और आगे बढ़िए। हमारा सीरियस कॉम्पिटिशन क्या है? लोग बोलते हैं सर हमारा जो कॉम्पिटिशन है ना वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ, सर वो हम लोग को डिग्री देते नहीं है सर, वो बगल वाला तो सर युवा यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहा है, उस यूनिवर्सिटी की डिग्री दे रहा है, सर उसके पास तो टीचर भी है, सर उसके पास तो क्लासरूम भी है, वो तो ये कोर्स करा रहा है, वो कोर्स करा रहा है। अक्सर लोग ड्यूसॉक का कॉम्पिटिशन अगल बगल किसी इंस्टीट्यूट से करते हैं, पर यकीन मानिए हमारा जो कॉम्पिटिशन है वो किसी इंस्टीट्यूट के साथ है ही नहीं, है ही नहीं हमारा, क्योंकि हमारे पास जो है वो बगल में किसी के पास है ही नहीं। भाई आज की मार्केट में अभी भी स्मार्ट क्लासेस शुरू की जा रही है, हर इंस्टीट्यूट के पास अभी भी ढंग से स्मार्ट क्लासेस नहीं है, लेकिन वी आर प्रोवाइडिंग ऑनलाइन ट्यूटोरियल विद ऑडियो विजुअल टेक्नोलॉजी विद 3D एनिमेशन। आज हमारे ट्यूटोरियल में कोई बंदा का इंग्लिश स्पोकन देता है या हमारे ट्यूटोरियल्स को जावा देता है, हमारे ट्यूटोरियल्स को कंप्यूटर कोर्स करना है, तो उसमें और मार्केट में जाके किसी इंस्टीट्यूट में जाके DCA करने में जमीन आसमान का फर्क है। बात अंडरस्टैंड कर, जिस क्वालिटी की पढ़ाई ड्यूसॉक एकेडमी कराती है उस क्वालिटी की पढ़ाई इंस्टीट्यूट में है ही नहीं, तो जब उनके पास है ही नहीं तो कंपेयर कहाँ से कर सकते हो, कंपटीशन कैसा होगा? बात समझ रहे हो? अभी यहाँ पे कोई साइंस का स्टूडेंट बैठा जिसने बायो से या फिर मैथ से साइंस की हुई हो, मैम आप साइंस में किसके स्टूडेंट हो, बायो के हो या फिर मैथ्स के हो? बायो से। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हो क्या? कौन सी किताबें प्रेफर करते हो आप? NCERT। कितने की किताबें आती हैं? 700-800 में आ जाती है। बैठी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायो आपको इनकी किताबें देनी हो, NCERT की अवेलेबल है, शिवनाथ की अवेलेबल है, MD की अवेलेबल है, MBD की अवेलेबल होती है, मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, इनकी किताबें आ जाती है 700-800 हज़ार रुपये, इसके अंदर आपको ये किताबें मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको कोटा के बंसल इंस्टीट्यूट में फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की ज़्यादा कोचिंग करनी हो या उनको ऑनलाइन ट्यूटोरियल ज्वाइन करना हो तो दे आर चार्जिंग 80,000 रुपीज फॉर 1 ईयर। Why they are charging 80,000 rupees? बताइए। वो 80,000 रुपए किस चीज का चार्ज कर रहे हैं जबकि किताब ही तो पढ़ाने वाले हैं, वो तो 800 रुपए की है। बताइए आप वो ट्यूटोरियल का इतना चार्ज क्यों करते हैं? यहाँ पर अगर किसी ने JEE की तैयारी की हो या PMT की तैयारी की हो तो सभी जानते हैं 11-12 का सिलेबस ही आता है, उसमें और कुछ नहीं आता है। और 11-12 के सिलेबस की अगर आपको मार्केट में किताबें लेनी जानी हो तो 500-800 हज़ार रुपए 2,000 रुपए की आ जाती है। और JEE की कोचिंग करने के लिए अगर आप इंडिया में किसी बड़े स्कूल में जाओगे 1-1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, 2-2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए तक आपको कोचिंग अवेलेबल है। सही बोल रहा हूँ मैं? Yes. क्यों लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं जबकि वही चीज 800 रुपए में मिल रही है? किताब थोड़े बदल जाएगी, फॉर्मूला थोड़े बदल जाएगा, लॉ थोड़े बदल जाएगा, वो तो वही रहेगा, ग्रेविटेशन का फॉर्मूला तो वही रहेगा। पर फर्क क्या है? वो लोग वहां पर उस क्वालिटी से आपको पढ़ाते हैं कि वहां से पढ़ा हुआ कोई स्टूडेंट और नॉर्मली किसी ने किताब पढ़ी हुआ स्टूडेंट के नॉलेज में जमीन आसमान का फर्क आपको दिखेगा। सही बोल रहा हूं मैं? ये कंडीशन होती है, वो बंदे के माइंड में एनहांस कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं, उसकी एक्यूरेसी बढ़ा देते हैं और उसी क्वालिटी का कोर्स ड्यूसॉक्ट एकेडमी कवर कर रही है। तो जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट का दिल में अवेलेबल है उसके पास ड्यूसॉक्ट एकेडमी जैसा कोई कोर्स ही नहीं है, तो कैसे आप कॉम्पिटिशन कर सकते हैं? हमारा सही मायने में कॉम्पिटिशन क्या है? ड्यूसॉक्ट एकेडमी को लोग जब बिजनेस के तौर पे ज्वाइन करते हैं, जब हमने ड्यूसॉक्ट में एडमिशन लिया, ज्वाइन किया, क्यों किया, ये सबसे बड़ी वजह है। क्योंकि आज मार्केट में इस चीज से लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। दुनिया में अगर कोई समस्या है और अगर उसका समाधान मार्केट में बेचा जाए तो बहुत तेजी से बिकता है। समस्या क्या है? 100 लोगों की मीटिंग लेनी है,
बातचीत करनी है 100 लोगों से, और अगर बिना माइक के बोले जाए तो आवाज पीछे तक नहीं जाती। ये प्रॉब्लम है कि भैया बात करनी है लेकिन आवाज पीछे तक नहीं जा रही, तो दैट इज सॉल्यूशन। ये क्या है सॉल्यूशन? तो मार्केट में बिक रहा है, सही हो रहा हूं? यस सर। डीजे लगा हुआ, मशीन लगी हुई है, पर मशीन बार बार आवाज कर रही है, ये सॉल्यूशन है। तो ये बगल में खड़ा है, सही हो रहा हूं? यस। ये सॉल्यूशन है, इसलिए इसे पैसा दिया जा रहा है। अगर ये सॉल्यूशन नहीं होता, अगर इसे चलाना नहीं आता, तो यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे, इन लोगों को भी खड़ा कर दिया था, पर पैसा नहीं दिया जाता। बात अंडरस्टैंड कर रहे हो? यस सर। भाई मेरे पास स्लाइड्स पड़ी हुई है, लैपटॉप में पड़ी है, मोबाइल से पड़ी है, पर चूंकि सब लोगों को दिखाना है, चूंकि सब लोगों को ट्रेनिंग देना है, प्रॉब्लम है। तो सॉल्यूशन क्या है? ये प्रोजेक्टर, इसलिए प्रोजेक्टर मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए वो बिक रहा है। यानी अगर आप समाधान बेचोगे तो बिकेगा। मार्केट की सबसे बड़ी समस्या क्या है? मार्केट में लोग किस चीज से परेशान है? मार्केट में सबसे ज्यादा लोग परेशान है लो पेइंग जॉब्स। नौकरी कर रहे हैं, सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं लोग, 10 बजे से लेकर रात के 8-8 बजे तक मेहनत करते हैं, रात में ओवर टाइम करते हैं, और इतनी मेहनत करने के बावजूद जब उन्हें पेमेंट मिलती है तो इस चीज से परेशान है कि उन्हें मेहनत का सही तरीके से मुआवजा भी नहीं मिलता। सही बोलो? यस सर। अपनी जॉब में वो ज्यादा से मतलब कम, बहुत ही कम सैलरी की वजह से परेशान है कि इतनी मेहनत करने के बावजूद सैलरी बहुत कम मिल रही है। सही बोलो? यही कंडीशन होती है। दूसरा, हाई टेस्ट प्रोफेशनल्स, हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल्स। लोग प्रोफेशनल बन जाते हैं, डॉक्टर बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लॉयर बन जाते हैं, और इस चीज से बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, स्ट्रेस टेंशन बहुत रहती है, अति ज्यादा टेंशन रहती है। मैंने ग्राफ पढ़ा है कि सबसे ज्यादा हार्ट अटैक मंडे मॉर्निंग को आते हैं। मंडे मॉर्निंग को सबसे ज्यादा हार्ट अटैक क्यों आते हैं पता है? संडे को छुट्टी रहती है, आदमी सबसे ज्यादा टेंशन में रात में सोता है कि कल से फिर ड्यूटी पे जाना है, कल से फिर मेरी टेंशन चालू हो जाएगी। इवन मैंने यहाँ तक देखा है लोगों को कि अगर कोई व्यक्ति थोड़ा अच्छा नौकरी पेशा है, उसकी थोड़ी अच्छी सैलरी है, तो वो सुबह जो है उठता है ना तो ताकत की गोली लेता है, रात में सोता है तो बीपी की गोली लेता है। और कई सारे लोग हैं जो थोड़ा सा LIC या कुछ दुनिया भर के काम करते हैं, थोड़ा अच्छा पैसा कमाते हैं, या सेल्स फील्ड में है, या टीम लीडर वगैरह है, तो उनको तो रात को पिए वगैरह नींद ही नहीं आती, इतना टेंशन रहता है उन लोगों को। देखा है मैंने लोगों को, ये हाई स्ट्रेस प्रोफेशनल्स की लोग काम कर रहे हैं, थोड़ा अगर पैसा कमा रहे हैं, इतनी टेंशन में जी रहे हैं जिसकी कोई हद नहीं। टाइम क्लॉक्स, लोगों का हाल घड़ी की तरह हो गया। सुबह इतने बजे उठना मतलब उठना है, इतने बजे ड्यूटी पे जाना मतलब जाना है, इतने बजे लंच मतलब लंच, भूख लगी नहीं लगी फिर भी 1:30 बजे खाना मतलब खाना। बात समझ में? लोगों का हाल घड़ियों की तरह हो गया, और इतनी मेहनत करने के बाद नो रिकॉग्निशन या नो रिकॉग्निशन, कोई सम्मान नहीं। आदमी पूरी जिंदगी मेहनत कर गया, रिटायर हुआ तो कोई उसे पूछने को भी तैयार नहीं। सही बोलो? मेरे फादर को गवर्नमेंट जॉब में आज लगभग 34 साल होते आ रहा है, 83 में उनकी जॉब लगी, आज 2017 चल रहा है, अगले 2 साल बाद उनका रिटायरमेंट है, लेकिन आज 34 साल होने के बावजूद उसी टेबल में उन्हें 34 साल निकल गए, आज भी उन्हें छिंदवाड़ा में सभी लोग नहीं गए, हद से हद में उनका स्टाफ जानता है, और कुछ रिश्तेदार के यहाँ भैया वो बाबूजी हैं, वो उस पोस्ट पे हैं, उस ऑफिस में, दैट्स व्हाई ही कलेक्टर का अकाउंटेंट है इस पोजीशन, उसके अलावा कोई नहीं जानता। सही बोल रहा हूँ? यस। कलेक्टर थोड़े बन गए, लोगों के हाल यही है, पूरी जिंदगी मेहनत की लेकिन कोई कॉम्बिनेशन नहीं, इंक्रीजिंग वर्कलोड, जैसे जैसे काम मतलब जैसे जैसे टाइम निकलते जा रहा है वैसे वर्कलोड बढ़ते जा रहे हैं, पहले थोड़ा काम दिया गया, फिर और काम दे दिया गया, फिर और अपना इतना वर्कलोड बढ़ा दिया कि आदमी तो सारा वर्कलोड से ही करते हैं, नो टाइम फॉर फैमिली। और इतना सब होने के बाद जब बात आती है कि किसी फैमिली फंक्शन में चलना है, जब बात आती है कहीं भी जाने की, तो सबसे पहले यार टाइम नहीं है मेरे पास, ड्यूटी पे जाना है, छुट्टी लेनी पड़ेगी, बहुत छुट्टी नहीं लेंगी, ये कंडीशन होती है। लेकिन व्यूज ऑफ क्या है? व्यूज ऑफ इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन, आदमी पूरी जिंदगी मेहनत करता है लेकिन उसको ज्यादा सैलरी नहीं मिलती, जितना आज की डेट में मार्केट में कम से कम 4 कलेक्टर मिलकर कमाते हैं उतना हमारे राहुल कुमार सर 1 महीने में कमाते हैं। और सबसे बड़ी बात कि इस कलेक्टर को जितना स्ट्रेस होता होगा ना उतना स्ट्रेस राहुल कुमार को नहीं रहता, क्योंकि राहुल कुमार सर की टीम का विनीत साहू और गौरव कुमार डिप्लोमेट बनकर ऑलरेडी टेंशन लेने के लिए टाइम क्लॉक्स। मैंने सबसे ज्यादा राहुल सर ने एक चीज सिखा दिया, टाइम तो फोन नहीं होता है आपका, फिर भी टेंशन नहीं, ये कंडीशन है।
नो रिकॉग्निशन। तो मान सम्मान की बात कर रहे तो भैया राहुल सर का कैसा रिकॉग्निशन है, मेरे ख्याल से ये बात नीचे छुपी हुई है। Yes, और ये सच्चाई है कि कोई बंदा अगर ड्यूस ऑफ 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब के कर ले तो पैसा टाइम सिक्योरिटी मान सम्मान जो लोगों की पूरी जिंदगी मेहनत करने का सपना होता है वो एक ड्यूस ऑफ टाइम के लिए आम बात हो जाती है। वो तो नॉर्मली जिसका इंतजार हो जाता है उसे सारी चीजें मिलती है। सही बोल रहा हूँ? Yes, sir. यही कंडीशन होती है। नो टाइम फॉर फैमिली। 5 साल राहुल सर ने अपनी फैमिली को टाइम नहीं दिया, लेकिन आज की डेट में राहुल सर को अगर उनकी फैमिली कभी भी बुलाए तो इसीलिए जा सकते हैं, उनके पास कोई टेंशन नहीं है, अच्छी सैलरी है। और ये तो दुनिया जानती है अब जिसकी जेब में पैसा होता है उसकी कितनी पूछ परख होती है। सही बोल रहा हूं? यस सर। सिंपल सी चीज। नेक्स्ट हमारा कॉम्पिटिशन इन चीजों के साथ ड्यू सॉफ्ट आपको इस चीज का इस समस्या का समाधान दे देगी। नेक्स्ट चीज है सर, आगे बढ़ाइए और आगे बढ़ाइए। रूटीन वर्क ऑफ 90% पीपल, लोगों का 90% लोगों का काम करने का तरीका क्या है? गेट अप इन मॉर्निंग, सुबह उठ जाना, दिन भर काम करना कुत्ते के टाइप से, रात में आना और बस खूब सारा खाना, और उसके बाद रात में मच्छर काट रहा है, डेंगू हो रहा है, क्या होगा कोई टेंशन नहीं यार, बड़ी मुश्किल से तो नींद लगी है, काट के दूंगा यार, वो भी अपना काम कर रहा है। बात समझ में आ रही है? यही लोगों का रूटीन वर्क, सुबह उठना, जॉब पे जाना, वहां जाके बॉस की गाली सुनना, फिर वहां से घर आना, बीबी की गाली सुनना, बिल्कुल खाना और उसके बाद सोना, और फिर दूसरे दिन यही काम। बात समझ आ रही है? 90% लोगों का रूटीन वर्क यही है, क्योंकि ये रूटीन वर्क मैं अपने साथ के बहुत सारे दोस्तों का देखता हूँ। सही बोलो? और आपने भी देखा होगा लोगों, तो लोग दोस्त 90% लोग यही काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, आप भी यही करना चाहते हैं? नहीं, बहुत सारे लोग होंगे सर वो जॉब लग जाए सर एक बार, यही होता है उनका। ठीक है, बिग गोल्स बिग रिजल्ट्स, नो गोल्स नो रिजल्ट्स। सबसे ज्यादा लोग ड्यू सॉफ्ट में नाकामयाब क्यों? सबसे ज्यादा लोग ड्यू सॉफ्ट में नाकामयाब होने की वजह है उनके पास कोई गोल नहीं होता, कोई सपना नहीं होता, कोई ड्रीम नहीं होता। मैं ड्यू सॉफ्ट क्यों करूं? मैं ड्यू सॉफ्ट के लिए मार्केट में जब प्लान दिखाने जा रहा हूं तो लोगों की ना क्यों सुनूं? अगर लोगों ने मुझे घर से भगा दिया तो भी मैं उनकी बात क्यों पूरी ना मानूं? क्यों? वाई? वो वाई सबसे इंपॉर्टेंट है। जब मैं ड्यू सॉफ्ट में आया तो मेरी अपलाइन में ही सोचना था कि हम अभिनीत का ऐसा क्या माइंड वॉश करते हैं, अभिनीत को क्या समझा दें कि भैया अभिनीत जब मार्केट में जाए उसे 2, 4, 10, 20, 25, 50 लोग समझाएं और उसे नेगेटिव करें तो वो नेगेटिव ना हो। मेरी सोच क्या थी? मेरी सोच थी कि अगर मेरे साथ कोई सामने वाला नया व्यक्ति एडिक्शन ले रहा है तो उसका मैं ऐसा क्या माइंड वॉश कर दूं, उसके माइंड में क्या मेंटेलिटी सेट कर दूं कि जब वो मार्केट में जाए तो जैसे मुझे लोगों की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे भी ना पड़े। और आप भी कहीं ना कहीं यही सोचते हो, सही बोल रहा हूँ? तो उसे ये चीज बताइएगा, बिग गोल्स बिग रिजल्ट्स, नो गोल्स नो रिजल्ट। अगर जिंदगी में आपके पास कोई बड़ा सपना होगा तो यकीन मानिए दुनिया की कोई ताकत आपको नेगेटिव नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आपके पास कोई सपना नहीं होगा ना तो आपको चलते फिरते कोई भी नेगेटिव कर पाएगा। बात अंडरस्टैंड कर रहे? जब मैं मार्केट में गया, जब मैंने लोगों को प्लान दिखाया तो मैं नेगेटिव क्यों नहीं हुआ? उसकी सिर्फ एक वजह थी, मेरे पास सपना था, मुझे मेरे फादर को उनके रिटायरमेंट के पहले फ्री करना था, मुझे मेरी सिस्टर की शादी में पैसा देना था, मुझे सेल्फ डिपेंड होना था, मुझे घर की किसी भी समस्या के लिए खुद खड़ा होना था, इसीलिए मैं डिफरेंट पे टिका हुआ था। ये मेरे सपने मैंने लिखकर लगाए हुए हैं, मेरे हर सपने के साथ मेरा इमोशन जुड़ा हुआ है, इसकी वजह से मैं निगेटिव नहीं होता। और लोगों के पास सबसे बड़ी दिक्कत यही कि उनके पास कोई सपना नहीं होता, कोई गोल नहीं होता। और लोगों का हाल क्या सर, लोगों का हाल बिल्कुल उसी की तरह है। वी हैव टू प्रोटेक्ट अवर डोमिनेंस फ्रॉम द पर्टिकुलर कंट्री हु ऑलवेज स्पीक नेगेटिव। ये आपने कलह की स्टोरी सुनी? दो स्टोरी हमारे पास कलह, दोनों कलह की स्टोरी सुनिए आप। तो हमारे साथ क्या होता है, जब हम मार्केट में प्लान दिखाने जाते हैं तो हमारा हाल क्या होता है? एक बार क्या हुआ, एक आदमी था वो मार्केट में गया और दौड़ते हुए डॉक्टर के पास पहुंचा, डॉक्टर को जाके बोलता है डॉक्टर साहब बचा लो बचा लो बचा लो। डॉक्टर बोलता है यार मैं जानवर हूं, पर डॉक्टर तू तो इंसान है, मुझे कहां से बचा लो। बोला डॉक्टर साहब मेरे को जानवर का इलाज कराने का। तो बोले बता बचा लेंगे, क्या हुआ? बोले डॉक्टर साहब मेरा गधा बड़ा प्यारा गधा है, बहुत प्यार करता हूँ उससे, पर वो बीमार पड़ गया, उसे बचा लीजिए। डॉक्टर बोलता चलो ठीक है, अब तुम बोल ही रहे हो तो बचा लेते हैं, बिल्कुल बचा लेते हैं। क्या हुआ उसे? बीमार है, लाओ इंजेक्शन लेते हैं अभी ठीक हो जाएगा। तो डॉक्टर बोलता है इंजेक्शन देते हैं ठीक हो जाएगा। तो बता बोलता है नहीं नहीं डॉक्टर साहब, उसे इंजेक्शन लगेगा ना उसे दर्द होगा, मुझे देखा नहीं जाएगा,
आप ऐसा कीजिए, कुछ और इलाज बताइए। तो बोलता है ठीक है, दवा दे देता हूँ, गोली दे देता हूँ, खिला देना। बोले डॉक्टर साहब बड़ा कहाँ गोली खाएगा। तो डॉक्टर ने क्या उपाय निकाला, उसने गोली पीसी, एक पुड़ी बना के भेजी और उससे बोला कि गधे के मुंह में पाइप रखना, पुड़ी डालना, खूब मारना गोली अंदर। बंदा बोले ठीक है। वो गया, जाके अपने गधे के पास गया, गधे को गोली दी और 10-15 मिनट के डॉक्टर के पास फिर पहुंच गया। सब बचा लो बचा लो बचा। डॉक्टर बोलता क्या हुआ, डॉक्टर साहब बचा लो, डॉक्टर क्या हुआ, डॉक्टर साहब बचा लो। अरे बचा लेंगे, क्या हुआ, क्या किया तुमने, क्या हो गया। साहब जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। क्या किया, जैसा आपने कहा वैसा ही किया। अरे क्या किया, मैंने गधे के मुंह में पाइप रखी, उसमें पूड़ी रखी, लेकिन जैसे ही मैं फूंक मारा था गधे ने फूंक मार दी। हम 15 मिनट समझाते हैं कि ऐसा ऐसा होता है, तू यहाँ पहुंच सकता है, और वो 2 घंटे बिठाकर तो ये समझाता है कि ऐसा क्यों नहीं होता, इन्होंने भी किया था नहीं आया, उन्होंने भी किया था नहीं आया। इन सब चीजों के चक्कर में मत पड़ो, सही बोलो। और आराम ये हो जाता है लोगों का, उन्हें इतने भयंकर तरह से गले की भूख लगती है कि जो बंदा 2 दिन बाद ना तो सर तूफान खड़ा कर दूंगा, सर मैं तो ये कर दूंगा, सर मैं तो वो कर दूंगा, उसके बाद उसको कब्र में से उठा के लाना पड़ता है। चल रहे भाई, कब्र में चला जाता है वो, और उससे बोलना पड़ता है यार कल तो तू बड़ा मोटिवेट, कल तो तू बोल रहा था मैं तो तूफान खड़ा कर दूंगा, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो। नहीं सर मेरा तो इंटरेस्ट नौकरी में ही था सर, मैंने ऐसे ही कर लिया। ये आलम हो जाता है। तो ऐसे गधों की भूख से बचकर रहिएगा। मार्केट में ऐसे बहुत सारे गधे होते हैं जो आपको भूख मारने के लिए बैठे, जिनको आप दूसरों को समझाने जाओगे तो करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, पर हाँ आपको जरूर समझाएंगे कि भैया तू भी मत कर। सही बोल रहा हूँ। वी बिल्ड द पीपल एंड पीपल विल बिल्ड द बिजनेस। हमारा बिजनेस एक्चुअली है ये, हमारा बिजनेस है लोगों को बिल्ड करने। आपने एक स्टोरी सुनी होगी पौधे लगाने का, सुनी है आपने कि एक बार क्या हुआ कि 3 लोग थे, सही 2 लोग थे, वो जा रहे थे, अचानक उन्होंने देखा 2 लोग काम करते हुए, उनसे पूछा भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते हैं वो अपना काम कर रहे हैं। कर क्या रहे थे वो लोग, एक बंदा मिट्टी खोद रहा था और दूसरा बंदा उसमें जो है मिट्टी को डाल रहा, मतलब एक बंदा था, 2 लोग का काम चल रहा है, एक बंदा काम है फावड़ा उठाया मिट्टी खोद रहा है, दूसरा बंदा जैसे वो आगे बढ़े पीछे से आए मिट्टी डाल दे। अब इस टेंशन में साला यार, अगर मिट्टी डालनी है तो मिट्टी खोद क्यों रहा है, अगर मिट्टी डालनी है तो मिट्टी खोद क्यों रहा है। उससे पूछे भैया क्या कर रहे हो, डिस्टर्ब मत करो हम अपना काम कर रहे हैं। क्या काम कर रहे हो, ऐसा मिट्टी खोद रहे हो मिट्टी डाल रहे हो। अगले बंदे बोला चलो यार अपना काम नाम निपटा है, काम नाम निपटा के वापस पहुंचे तो देखे वही काम, एक मिट्टी खोद रहा है दूसरा मिट्टी डाल रहा है। फिर आगे पूछे भैया क्या कर रहे हो तुम, अरे हम अपना काम कर रहे हैं। यार ये कौन सा काम हुआ, मिट्टी खोद रहा मिट्टी डाल रहा है, मतलब भैया असल में आप 3 लोग, इसका काम है मिट्टी खोदने का, मेरा काम है मिट्टी डालने का, और जो तीसरा छुट्टी में है उसका काम है पौधे लगाने का, वो पौधे लगाने वाला छुट्टी में हम अपना काम कर रहे हैं। डुप्लीकेट किया, अगर नहीं किया मतलब आपका भी हाल ऐसा ही है कि गड्ढा खोद रहे हो और मिट्टी पौधे लगा रहे हो कि नहीं। नेटवर्क इंडस्ट्री चलती है लोगों को डुप्लीकेट करने से। आज हम लोग यहाँ कहीं ना कहीं डुप्लीकेशन के लिए इकट्ठे हुए थे। अगर राहुल कुमार सर ने अभिनीत साहू को डुप्लीकेट नहीं किया होता तो अभिनीत भी 2 महीने के बाद आके राहुल सर के पास खड़े हो जाता कि मैंने तुम्हारे विश्वास पे पैसा डाला था, मेरा पैसा वापस कर दिया। लेकिन चूंकि राहुल सर ने मेरा विजन क्लियर किया, चूंकि राहुल सर ने मुझे बिजनेस सिखाया, चूंकि राहुल सर की वजह से मुझे लगातार पैसा आ रहा था, मैंने कभी ये सवाल किया ही नहीं। उन्होंने मुझे सिर्फ ड्यू सॉफ्ट ज्वाइन नहीं कराया, उन्होंने मुझे ड्यू सॉफ्ट में डुप्लीकेट किया। और एक बंदे को आप ज्वाइन कराते हो कितना मिलता है आपको कमीशन, एवरेज जब निकालते हो 600 समथिंग 600 रुपए। राहुल सर ने एक बंदे को सिर्फ ज्वाइन नहीं कराया, डुप्लीकेट कर दिया,
डुप्लीकेट कर दिया, एक बंदे को डुप्लीकेट किया, आज 3500 लोगों का नेटवर्क खड़ा कर दिया, लगभग लगभग 22.5 लाख रुपए आज राहुल कुमार सर ने एक बंदे को डुप्लीकेट करके कमाए। अब आप मुझे बताओ कि ये बिजनेस वाकई में जोड़ देगा है या डुप्लीकेट कर देगा? ये बिजनेस लोगों को डुप्लीकेट करने का, लेकिन लोग डुप्लीकेशन पे ध्यान नहीं देते। आज कहीं ना कहीं राहुल सर ने उस दिन अगर गड्ढा खोद के मिट्टी डाल दी होती तो कुछ भी नहीं हो पाता, लेकिन उन्होंने पौधा लगाया, उन्होंने एक पौधा लगाया जो आज पेड़ बनके खड़ा हुआ आपके सामने। कहीं ना कहीं आप भी जिसको ट्यूशन पे ज्वाइन करा रहे हो, क्या उसका बिजनेस क्लियर कर रहे हो, क्या विजन क्लियर कर रहे हो, उसे ट्यूशन की बेसिक सिखा रहे हो, सिखा रहे हो तो बिजनेस एकदम सही है। अगर नहीं सिखा रहे मतलब आप नेटवर्किंग नहीं कर रहे, यू आर ओनली अ सेल्समैन ऑफ ट्यूशन, आप सिर्फ मार्केट में जा रहे हो, लोगों की एंट्री डलवा रहे हो और छोड़ दे रहे हो। बात समझ आ रही? लोग डुप्लीकेट किए। अ मैन विदाउट ड्रीम जस्ट लाइक अ लैम विदाउट ए वॉइस, ये स्टेटमेंट है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। एक व्यक्ति जिसकी जिंदगी में कोई सपना नहीं होता वो बिल्कुल उस चिमनी की तरह है जिसके अंदर कोई तेल नहीं है। चिमनी सोने की ही क्यों ना हो, लेकिन अगर उसमें तेल नहीं है तो क्या कभी उसमें रोशनी आएगी? बस वैसे क्या हाल है, जिस व्यक्ति की जिंदगी में सपना नहीं होता, कुछ लोगों से सपनों की बात करो तो वो ऐसे देखते हैं कि उनसे पता नहीं क्या पूछ लिया गया, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, ये आराम हो जाता है। भाई साहब सपने देखिए, सपनों में बहुत बड़ी चीज होती है, मतलब सपनों में वो जान होती है, व्यक्ति के अंदर दम थोड़ा होता है, उसके सपनों में दम होता है। मेरे अंदर ताकत थोड़ी थी, आपको क्या लगता है हमारे अंदर इतनी ताकत थोड़ी थी कि लोगों को फेस कर सकते, पर हमारे सपनों में इतनी जान थी कि जिसकी वजह से हम दिल सौंप दिख गए। सपना बहुत बड़ी चीज होती है, अगर आपके सपने में दम है तो आप बहुत ऊपर जा सकते हैं। इब्राहिम लिंकन का नाम सुना आपने? इब्राहिम लिंकन के बारे में कहा जाता है कि जब वो छोटे बच्चे थे तो मोची का काम करते थे, जूते सिलने का काम। जब वो जूते सिलने का काम करते थे तो एक दिन एक ज्योतिषी उनके पास आया जूते में पॉलिश करवाने के लिए। जूते में पॉलिश किया तो ज्योतिषी से पूछते हैं कि मेरा हाथ देखकर ये बताओ कि भाई साहब मैं इस व्हाइट हाउस के अंदर कब सोऊंगा? व्हाइट हाउस के अंदर कौन सोता है? अमेरिका का राष्ट्रपति होता है। अमेरिका का राष्ट्रपति। तो वो बोलता है कि तू आज हाथ से जूते सिल रहा है, कल को जरा सा तू एक मशीन लगा लेगा और मशीन से जूते सिलेगा। बोलता है ऐसा क्यों? तो जोशी ने ऐसी मजाक मजाक में उससे कह दिया कि तेरे हाथों में वो लकीर नहीं है जो राष्ट्रपति बनने के लिए होती है। तो इब्राहिम लिंकन पूछते हैं कि मुझे ये बताओ कि कौन सी लकीर होती है जिसकी वजह से व्यक्ति जो है राष्ट्रपति बनता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा यार बच्चा मजाक कर रहा है, ऐसा करता उसको बोले। तो उन्होंने पैर उठाया और पैर उठा के बंदे के हाथ में लकीर खींची। जैसे ही उन्होंने लकीर खींची उस बंदे ने चाकू उठाया और चाकू उठा के हाथ काट लिया। बोलता अब तो मेरे हाथ में लकीर आ गई, अब बन सकता हूँ राष्ट्रपति। वो ज्योतिषी उस दिन ये भविष्यवाणी करके चला गया, दुनिया इधर की उधर हो जाए तुझे राष्ट्रपति बनने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ये सच्चाई है, दुनिया जानती है कि इब्राहिम लिंकन जितना कामयाब राष्ट्रपति पूरी दुनिया में कभी नहीं रहा। उस बंदे के पास क्या था जिससे वहां तक लेकर गया? उसके पास एक सपना था, उसके पास एक सोच थी। अगर आपके पास भी वो सपना है, आपके पास भी वो सोच है, आपके सपनों के साथ आपका इमोशन जुड़ा हुआ है, गारंटी मानिए दुनिया की कोई बड़े से बड़ी निगेटिविटी आपको निगेटिव नहीं कर सकती। अगर आप पॉजिटिव हो लेकिन आपका कोई सपना नहीं है तो मार्केट की छोटी मोटी निगेटिविटी भी आपको निगेटिव कर देगी। लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आपका कोई सपना है तो मार्केट में कितनी भी निगेटिविटी हो, आज तक निगेटिविटी इतनी बड़ी नहीं हुई कि एक बंदे का सपना खत्म कर सके। वो सपना देखिए, उस सपने की वजह से आप टिकोगे। एलके के सिंड्रोम, ये तो सर बहुत ज्यादा है लोगों के अंदर। एलके के सिंड्रोम समझता है? क्या होता है एलके के सिंड्रोम? लोग, अरे सर वो तो समझ गए सर, हम लोग क्या कहेंगे तो वो समझा दिए गए, बोलते हैं कुछ। लेकिन सबसे ज्यादा लोगों को जब मैं पूछता हूँ सर आपने डिस्कॉर्ड क्यों छोड़ दिया, तो उनका जवाब क्या होता है पता है? सर वो मेरे चाचा ऐसा बोलते, सर वो मेरे मामा ने ऐसा बोल दिया, सर वो मेरे भैया ऐसा बोलते। ये लोगों की बातें ना इतनी असर डालती है लोगों पर जिसकी कोई हद नहीं, और ऐसे लोगों का जिंदगी में कुछ नहीं हो पाता। लोगों का क्या हाल है? एक बार क्या हुआ, हड़सन नदी की बात है, जब नाव का पहली बार आविष्कार हुआ था, नाव में मोटर लगी थी, आपने शायद सुना होगा। जब नाव में मोटर लगी, एक मोटर वाली नाव चली, तो लोग क्या बोले, जब इन्होंने मोटर लगाई और नाव बनाई तो बोलते हैं ये बेवकूफ है, पागल हो गया, ये नाव नहीं चलने वाली। नाव भी कभी बिना आदमी के चप्पू मारे चली? नहीं चली, नहीं चलने वाली, ये बेवकूफ है, देख लेना ये नाव डूब जाएगी। उन्होंने उठाया नाव, उठा के नदी में प्लेस कर दी, नदी में प्लेस की, नाव नहीं डूबी। तो बोलते हैं चलो डूबी तो नहीं लेकिन चलेगी भी नहीं,
या मोटर चालू ही नहीं होगी। अब उन्होंने मोटर चालू की तो मोटर चालू हो गई, मतलब मोटर चालू होने से क्या हो जाएगा, मोटर चालू होने से थोड़ा चल जाती है, मोटर चालू होने से नहीं चलने वाली, चलेगी नहीं। लेकिन जैसे ही वो चलना शुरू हुई तो लोग क्या बोलने लगे पता है, अब ये जो नाव है ना रुकेगी नहीं। लोगों की आदत है, लोगों की हमेशा से आदत रही है जब भी उनके सामने कोई चीज पहली बार आती है तो सबसे पहले वो चीज का मजाक उड़ाते हैं, उस पर कमेंट मारते हैं, फिर उसके बाद उसी चीज का अपोज करने लग जाते हैं, उस चीज के लिए मनाही करने लग जाते हैं।